गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द डिस्टेंस फार्मूला. हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. So in this lecture, we are going to study about the various uses of the distance formula. कि distance uses का formula का इस्तेमाल हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं. So पहला इस्तेमाल तो ये था जो simply मैंने आपको बताया था और आपको homework भी दिया था. To the use of distance formula is to find the distance between two points. कोई भी दो points जो आपको coordinates में given है उसके बीच का distance निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करना था. जिसका example आपको क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में मिल रहा था. ठीक, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला. दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ए एंड बी. ए को मान लेंगे x1 y1 एंड बी को मान लेंगे x2 y2. और इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. नाउ सेकंड, टू प्रूव दैट द फोर पॉइंट्स इज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. जैसे आपको मान लो कोई भी चार पॉइंट्स गिवन है. Let for example A, B, B, C and D. ये चारों पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स में गिवन है. तो मुझसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर और इट इज अ रेक्टेंगल. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, चारों पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालूंगा. लाइक डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ए बी निकालूंगा. ठीक, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, बी सी निकालूंगा. डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी डी निकालूंगा. एंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, डी ए निकालूंगा. ठीक, ये चारों डिस्टेंस लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से. और यदि ये चारों डिस्टेंस बराबर आती हैं, क्योंकि ये एक एक डिस्टेंस एक एक साइड कहलाएगी, यदि ये चारों साइड्स बराबर आ गई हम कहेंगे इट इज अ स्क्वायर. यदि ये चारों साइड्स बराबर नहीं आई, कोई भी दो साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर आती हैं, मान लो ए बी सी डी बराबर आ गया, बी सी एंड डी ए बराबर आ गया, तो मैं उसे कहूंगा कि वो एक रेक्टेंगल है. ठीक, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया था. द फोर पॉइंट्स आर ऑफ स्क्वायर, मुझे स्क्वायर प्रूफ करना था उस क्वेश्चन में. ठीक, आंसर याद होगा आपको, अंडर रूट ऑफ 37 आया था लास्ट लेक्चर में. सो ये उसका एग्जाम्पल हो गया. नाउ अब हम बाकी दो एग्जाम्पल्स पॉइंट्स पर करने वाले हैं. तो थर्ड यूज है वो ये है कि आपको कोई भी तीन पॉइंट्स गिवन होंगे. लेट फॉर एग्जाम्पल हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, ए बी एंड सी. सो टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, मुझसे पूछा जाएगा कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स मुझे गिवन है वो किसके हैं, एक रेक्टेंगल के हैं. सो ठीक है, मैं क्या करूंगा, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल के हैं. मैं क्या करूंगा, मैं तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं. मान लो x1 y1. ठीक, रखा. और मैं सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करूंगा, बी सी कैलकुलेट करूंगा और सी ए कैलकुलेट करूंगा. ए बी बी सी एंड सी ए कैलकुलेट करूंगा. सो मुझसे पूछा जाएगा कि ये ट्रायंगल का है और किस टाइप के ट्रायंगल का है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा. ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा एंड सी ए निकालूंगा. यदि तीनों साइड्स बराबर आ गई तो मैं कहूंगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है. यदि केवल दो ही साइड बराबर आई, तीसरी नहीं आई, तो मैं उसे कहूंगा कि वो आइसोसेलस का है. और यदि तीनों ही साइड्स बराबर नहीं हैं, अलग अलग आई, तो मैं उसे कहूंगा कि वो स्केलन ट्रायंगल का है. ठीक, सो मुझसे पूछा जा सकता है कि जो तीन पॉइंट्स गिवन है ये कौन से ट्रायंगल का है. तो मैं क्या करूंगा, तीनों पॉइंट से तीन डिस्टेंस निकालूंगा और चेक करूंगा क्या तीनों बराबर है. बराबर है तो इक्विलेटरल, कोई भी दो बराबर है तो आइसोसेलस, और एक भी बराबर नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल. ठीक, इसका एग्जांपल हम करेंगे. एंड द फोर्थ यूज इज टू फाइंड द कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स. मुझे कोई भी तीन पॉइंट्स यहां पे गिवन होंगे और मुझसे पूछा जाएगा कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. मुझसे क्या पूछा जाएगा, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, क्या वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. तो मैं क्या करूंगा, तीनों पॉइंट से तीनों डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी एंड सी. तो ए बी बी सी एंड सी ए निकालूंगा. और यदि उन तीनों डिस्टेंस में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी ए निकाला,
सो उन तीनों डिस्टेंस में से यदि कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होता है, मान लो AB plus BC is equal to CA हो गया, कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के यदि बराबर हो जाएगा तो मैं उसे कहूंगा that the points are collinear, otherwise not. ठीक, मैं कोई भी दो डिस्टेंस का सम देखूंगा, यदि वो दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो कहूंगा collinear, otherwise it is not. ठीक, so What is the uses of distance formula? पहला, distance between the two points. Exercise 7.1 का question number 1. To prove that the four points is of quadrilateral and which type of quadrilateral? Exercise 7.61 का question number 6 इसका example है. To prove that the three points is of a triangle and which type of triangle? मतलब triangle का है और कौन से triangle का है? तो ये मिलेगा आप question number 4 में. एक्सरसाइज के एंड टू प्रूव फाइंड द कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट एंड ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में. तो हम आपको शुरू के दो एक एक एग्जांपल आपको करा चुके थे और आपको होमवर्क दे दिया था. अब हम सबसे पहले कोलिनियरिटी फाइंड करेंगे. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट. सो मैं आपको दिखाऊंगा कि कोलिनियरिटी कैसे फाइंड की जाती है, कोलिनियरिटी फाइंड प्रूफ कैसे की जाती है. सो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5 2.3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. मुझसे क्या फाइंड करना है, 1.5, 2.3 and -2.11 कोलिनियर. मुझे तीन पॉइंट्स गिवन है जैसा मैंने आपसे कहा था और मुझे प्रूफ कर, मुझे फाइंड करना है कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं. सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उनको पॉइंट्स को नाम दूंगा. लेट ए इज इक्वल टू 1.5, B is equal to 2.3 and C is equal to -2, -11. ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपसे क्या बोला था, मैं अब तीनों पॉइंट से तीन डिस्टेंस निकालूंगा. सो मैं तीन डिस्टेंस निकालता हूं. सो मेरी फर्स्ट डिस्टेंस है AB. AB का मतलब क्या होता है, AB का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए बी का मतलब क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो मैं ए और बी को नाम दे देता हूं, लेट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू. एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू अंडर रूट X2 कितना है 2 माइनस X1 कितना है 1. तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 3 माइनस Y1 कितना है 5. तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर. किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है एंड टू का होल स्क्वायर 4. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 5. तो ए बी की वैल्यू क्या निकल गई, अंडर रूट ऑफ 5. ठीक, सो ए बी की निकल गई. अब मैं दूसरी डिस्टेंस निकालूंगा, वो दूसरी डिस्टेंस है ए बी के बाद अब बी सी. ठीक, तो BC का मतलब क्या है, अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकाली, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की निकालेंगे. तो BC का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C. तो B को मैं दे दूंगा X1 Y1 और C को दे दूंगा X2 Y2. क्यों, क्योंकि मुझे B और C के बीच में डिस्टेंस निकालनी है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज नाउ X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर. अब मैं नए वाले कोऑर्डिनेट्स फिट करूंगा, x2, x2 है -2, सो -2
माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 2, तो माइनस टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है माइनस 11, माइनस वाई वन कितना है 3, सो माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि हर बार x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाता है क्योंकि हमारे पॉइंट्स बदलते जाते हैं। पिछली बार x1 y1 ये था, x2 y2 ये था और इसमें हमें bc निकालना था, तो अभी x1 y1 है और ये x2 y2 है, पुराने पॉइंट्स नहीं लेंगे। सो bc मैंने निकाला अंडर रूट माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, सो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव एंड 4 का 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर 196। तो सॉल्व करने पे मुझे मिला अंडर रूट ऑफ 212, इट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 53, 4 नहीं अंडर रूट सॉरी 2 अंडर रूट 53, ठीक 2 अंडर रूट 53। आगे समझ में 2 अंडर रूट 53। नाउ दो डिस्टेंस निकल गई, अब तीसरी डिस्टेंस मैं निकालूंगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। व्हाट इज सी ए? सी ए का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सी और ए। अब मुझे सी और ए को निकालना है, तो अब मेरे पॉइंट्स होंगे सी, सी को मैं दे दूंगा एक्स वन वाई वन क्योंकि सी पहले आया है, और ए हो जाएगा मेरा एक्स टू वाई टू, ठीक। अगर आपको चाहो तो मैं यहां पे भी एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू लिख सकता हूं। तो सी क्या है, फॉर्मूला लगा दो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब सी क्या है मेरे लिए, एक्स टू वाई टू क्या है, एक्स वन एक्स टू है माइनस वन, इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस सॉरी वन माइनस एक्स वन कितना है मेरे लिए माइनस टू, सो वन माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है फाइव माइनस y1 कितना है माइनस 11, तो 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 16 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 56, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। सो मेरे तीनों डिस्टेंस निकल गई, ए बी आया अंडर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी आया 2 अंडर रूट ऑफ 53 डिस्टेंस फॉर्मूला से, एंड सी ए आया 265। सो नोट करने की बात यह है कि यहां पे कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं है, हैंस मैं ये कह सकता हूं कि दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टेंस बिटवीन सिंस यहां पे लिखूंगा सिंस द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नॉट इक्वल टू द थर्ड हैंस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो मैं क्या कहूंगा, हैंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक, क्योंकि कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आया, तो मैं क्या कह दूंगा, दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा होता है, और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th बिल्कुल सेम टू सेम का है। मैंने आपसे कहा था कि आपसे पूछा जाता है कि चेक इट
whether the points are of isosceles triangle. So हम इसको देखते हैं. So exercise 7.1 का question number 4th. तो क्वेश्चन पूछा गया है, चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल. मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रायंगल फाइंड करने के लिए. सो यही किया गया है. तीन पॉइंट्स आपको दिवन है, 5, -2, 6, 4 and 7, -2 एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट ये आइसोसेलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. ठीक. सो लेट आइसोसेलस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, आपको पता है आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स सेम होते हैं. ठीक, ए बी एंड सी. सो साइड्स सेम होती हैं, इसका मतलब मुझे साइड्स निकालनी है. तो कौन कौन सी तीन साइड्स हैं मुझे यहां पे दिख रही हैं, एक है ए बी, एक बी सी एंड सी ए. ए बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. बी सी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड बी एंड सी. एंड सी ए का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड ए. तो मुझे तीन डिस्टेंस निकालनी है और यदि उस तीन डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस यदि सेम आ गई, तीसरा नहीं आता है, तो मैं कह दूंगा कि आइसोसेलस ट्रायंगल है. सो सबसे पहले पॉइंट्स मानो, लेट ए इज इक्वल टू 5, -2, बी 6, 4 और जो थर्ड पॉइंट है वो है 7, -2. ठीक, तीन पॉइंट्स. अब क्या करना है, तीन डिस्टेंस निकालना है. सो हम पहला साइड निकालेंगे ए बी. सो ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक, सो मुझे ए बी फाइंड करना है तो ए एंड बी की डिस्टेंस निकालनी है. तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा ए पॉइंट्स क्या है हमारा 5, -2. ए बी निकालना है तो पहले ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट क्या है 6, 4. इसको नाम दे देता हूं x1, y1, इसको दे देता हूं x2, y2. ठीक, अब फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ठीक, इट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 6 - x1 कितना है 5. तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 - y1 कितना है -2. तो 4 - -2, देखो xy2 है 4 - y1 है -2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर अंडर रूट 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 मतलब 4 + 2 6 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 1 + 36. तो आंसर आया अंडर रूट ऑफ 37. तो ए बी क्या आया आपका अंडर रूट ऑफ 37. तो पहला डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या आई अंडर रूट ऑफ 37. तो ए बी आ गई. अब हम निकालेंगे बी सी. बी सी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. तो मैं बी पॉइंट लिख देता हूं 6, 4 एंड सी पॉइंट क्या लिख देता हूं 7, -2. बी सी लिख दिया, नाम दे दो x1, y1 and x2, y2. फॉर्मूला लगा दो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 7 - x1 कितना है 6. तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 - y1 कितना है 4. तो -2 - 4 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 6 1. सो 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू
1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 6 का 36, तो इसका भी आंसर आया अंडर रूट ऑफ 37। तो BC भी आपका आया अंडर रूट ऑफ 37। तो देखिए दो साइड्स आपकी इक्वल आ गई, पर ध्यान रखिएगा मुझे तीसरी भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी कि मान लो अगर तीसरी भी अंडर रूट ऑफ 37 आ गई तो फिर ये आइसोसेलस ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर आ जाएंगी, तो मुझे तीसरी निकालनी है। तो तीसरी डिस्टेंस कौन सी है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी ए। तो सी ए का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, तो सी पॉइंट लिख दो 7, -2 एंड ए पॉइंट 5, -2। वेरी गुड, ठीक आ गई। तो फिर से वही x1 y1 एंड x2 y2 फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 7, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 5 -2, सो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस +2, तो इट इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 एंड प्लस का 4 इज 2, तो सी ए आपका आया 2। तो देखेंगे सी ए की वैल्यू आई 2, तो ए बी अंडर रूट 37, बी सी अंडर रूट 37, पर सी ए की वैल्यू आई है 2, मतलब सी ए इनके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी बट इट इज नॉट इक्वल टू सी ए, हैंस ये तीनों वर्टिसेस किसके होंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के, हैंस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक। सो हमने आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया, और डिस्टेंस फॉर्मूले के सारे एग्जांपल्स आज कंप्लीट हो गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम एक चीज के लिए और करते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे, फॉर्मूला यही है। सो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 ये मैंने करा चुके हैं पर एक बार फिर करेंगे, एंड 6 में क्वाड्रिलेटरल के टाइप फाइंड करने हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम बाद में करेंगे, ठीक। सो कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर कॉपी, लॉकडाउन का फायदा इस्तेमाल, घर में फायदा इस्तेमाल करें, घर में डाउट्स पूछें, हमसे डाउट पूछें, ये फाइंड डन आउट। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर और द कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं जिनको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है उनको प्लीज शेयर करेंगे। थैंक यू।